नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति से। नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने ही वाले हैं। इसी के साथ चुनाव आयोग ने बिहार में भी चुनाव का ऐलान कर दिया है। बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों का ऐलान बुधवार को हो गया है। बिहार विधान परिषद की 24 खाली सीटों के लिए अप्रैल में ही चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। नगर निकाय की 24 सीटों के लिए 4 अप्रैल को मतदान होगा। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। विधान परिषद चुनाव के लिए मतगणना 7 अप्रैल को होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब भयावह होता जा रहा है। रूस ने एक बार फिर से परमाणु युद्ध की चेतावनी दे दी है। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध महाविनाशकारी होगा। उन्होंने कहा कि तीसरा विश्व युद्ध परमाणु हमले वाला होगा। वहीं रूस यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने कहा है कि वह यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का इंतजार करेगा। दोनों देशों के बीच आज रात वार्ता हो सकती है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 6 दिन पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गलत फैसला लिया। रूस ने सोचा कि हम यूक्रेन को रौंद देंगे, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने रूस को कड़ा जवाब दिया है। अमेरिका यूक्रेन के लोगों के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 2 चरणों के मतदान शेष हैं और इससे पहले राजनीति के दिग्गज चेहरे जनता को अपने पक्ष में करने में लगे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली में जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले छर्रे की गोलियां और कट्टे बनते थे, आज गोले और मिसाइल बन रही है। अंत में अमित शाह ने कहा, 5 चरणों के चुनाव में सपा बसपा का सुपड़ा साफ हो गया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने भाजपा की सरकार बनाने का काम पूरा कर लिया है। आप इतना अन्याय मत करिए, कई तो थे वो, मैं बता दो। देखो, डकैती में नंबर 1 थे, खून में नंबर 1 थे, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1 थे, हथियारों की और फिरौती में नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को उत्पादन में नंबर 1 बनाया है। अखिलेश बाबू, आपके समय में कट्टे और छर्रे की गोलियां बनती थी, मोदी जी के टाइम में मिसाइल्स और गोले बन रहे हैं। मिसाइल्स और गोले, एक परिवर्तन आया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले छर्रे की गोलियां और कट्टे बनते थे, जो हमारे लोगों को डराने के लिए और मारने के काम में आते थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। प्रहलाद जोशी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि यह समय सही नहीं है इन सब बातों के लिए कि देश के मेडिकल छात्र विदेश में जाकर क्यों पढ़ाई करते हैं। प्रहलाद जोशी के बयान पर अब सपा मुखिया ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। अखिलेश ने लिखा, भाजपा के मंत्री का अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना कि नाकाबिल लोग ही यूक्रेन जैसे देशों में पढ़ने जाते हैं घोर निंदनीय है। भाजपाइयों की आदत बन चुकी है कि वो अपनी कमी के लिए दूसरों में दोष ढूंढते हैं, बेरोजगारी पर लोगों को ही नाकाबिल कह देते हैं और नोटबंदी कोरोना के लिए व्यवस्था को। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने अन्य देशों की चिंता बढ़ा दी है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वतन वापस लाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी बीच बॉलीवुड स्टार सोनू सूद ने छात्रों से अपील करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि जो छात्र वहां फंसे हुए हैं वो यूनिवर्सिटी के संपर्क में रहे। उन्होंने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सुरक्षित अपने घर वापस आ सके। हिंदुस्तान की सरकार भी आपको निकालने के प्रयास कर रही है, इसलिए जहां है वहीं रहिए। हाय एवरीवन, जितने भी यूक्रेन में स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले तो जहां पर हैं वहीं पे रहिए, अपनी यूनिवर्सिटीज के टच में रहिए, अपने जो ग्रुप लीडर्स हैं उनके टच में रहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनके टच में हूं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे परमिशंस मिले, कैसे आप लोग सेफली अपने घर में आ पाएं। सुमी ओब्लास्ट एक जगह है जो रशिया बॉर्डर पे है, वहां पे भी काफी स्टूडेंट्स हमारे टच में हैं। लिवीव में काफी स्टूडेंट्स हैं जो टच में हैं। सो मैं आप सबसे ही कहना चाहूंगा कि सिर्फ सुनने से आप घर से बाहर मत निकले। डोंट लीव योर होस्टल्स और दो सेफ प्लेसेस वेयर यू आर एंड कम टू दोज बॉर्डर्स, और वहां से आपको वापस भेजा जा रहा है, मैंने सुना है। सो जब तक आपके पास कन्फर्म
परमिशन नहीं आती हैं, आप प्लीज अपनी जगह मत छोड़ के जाइए। यूपी में बस दो चरण के मतदान बचे हैं, इससे पहले सियासी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मऊ में ताबड़तोड़ जनसभाएं की। प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, तमाम परेशानियां हैं, लेकिन इसके समाधान के लिए बीजेपी कोई बात नहीं करती। चीन और अपराधियों पर बुलडोजर चलाने की बात करने वाले लोग समस्याओं पर बात नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ी समस्याएं आज क्या है उत्तर प्रदेश में, यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं, बताइए कितने हैं नौजवान, यहाँ भी हैं, किसको रोजगार मिला है पिछले 5 सालों में, किसी को मिला? बहनों, आपको मिला? तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, सही बात है, सही है। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, आज आपको गैस सिलेंडर 1000 रुपए में मिल रहा है, सरसों के तेल की बोतल एक दिहाड़ी में नहीं मिलती, 250 रुपए की है दिहाड़ी, उससे कम मिल रही है। पेट्रोल के दाम डीजल के दाम हद से ज्यादा बढ़ चुके हैं। मेरे किसान भाई बैठे हैं, बुनकर भाई बैठे हैं, कमाई नहीं होती। तो ये थी अब तक की तमाम बड़ी खबरें। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए टीएनपी न्यूज के साथ लगातार बने रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। साथ ही हमारी वेबसाइट www.tnpnews.in पर जाकर ताजा अपडेट्स लेते रहें। शुक्रिया।